मन इंद्रिया रहे शांत जो युवा में शांत धीर व वीर नष्ट हुए वीर्य को नष्ट हुए पर वीर्य के को न बने गंभीर। सच्चा कुशल सारथी वही है जो उन्मत्त घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उन्हें उच्छुकल नहीं होने देता है। वैसे ही सच्चा वीर वही है जो कि युवावस्था में भी प्रबल इंद्रियों को अपने अधीन रखता है, उन्हें स्वतंत्र व स्वेच्छाचारी नहीं होने देता। शत्रुओं पर और संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा सूर नहीं कहा जा सकता। सच्चा सूर वही है जो मन और इंद्रियों का स्वामी है और मन तथा इंद्रियों पर केवल महापुरुष ही अधिकार चला सकते हैं। और कोई मनुष्य यदि सदुपदेशों के अनुसार मन क्रम वचन से चले तो महापुरुष हो सकता है, इसमें कुछ भी कठिनता नहीं है। मैला कपड़ा जैसे पुनः साफ हो सकता है, वैसे ही विषय व दुर्व्यसन से गंदा बना हुआ मन भी पुनः साफ हो सकता है, परंतु अटल निश्चय व पूरी दृढ़ता होनी चाहिए। पवित्र मन माता पिता गुरु व मित्रों से भी अधिक उपकारी है। मन ही मनुष्य को नरक में से निकालकर ऊंचे पद पर पहुंचाता है। मन ही सुख दुख का असली कारण है। मन ही स्वर्ग व नरक बंधन व मोक्ष का प्रदाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है। अतः मन को नियंत्रण में रखो। मन बड़ा दगाबाज है, मन के वायदे को कभी न मानो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह अटल सिद्धांत जानो। मन को न बांधोगे तो मन तुमको जहाँ चाहे वहाँ पटक देगा, निश्चय समझो। क्या आपको इसका अनुभव नहीं है? आत्मोद्धार कैसे हो? इस पर संत कहते हैं, मन की कथनी से उल्टी रीत पर चलो, उल्टी चाल चलो। मन का गुलाम सबका गुलाम है, तो पंडित होने पर भी महामूर्ख है, बलवान होने पर भी वह महान दुर्बल और राजा होने पर भी पूरा दुखी अभागा और भिखारी है। मन का स्वामी ही संपूर्ण जगत का स्वामी है। चाहे वह शरीर से भले ही दुर्बल हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खों दोनों एक समान।